हेलो एवरीवन, जीत क्लास एच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो सुनिएगा आज के लिए कि किसी ने कहा अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। किसी ने कहा अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। तो पैसे ने कहा कि तू कुछ करके तो दिखा, मैं खुद तेरे पास चल कर आऊंगा। तो चलते हैं अपने सफर की ओर, सुहाने सफर की ओर, जिन सपनों को देखा है। आज का टॉपिक होगा ऑक्सीकरण व अपचयन, ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही टॉपिक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार सरसरी आंखों से उसे भी देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं, कल वाली स्लाइड पड़ी है हमारे पास, चलते हैं उसी पर। तो सबसे पहले रासायनिक बंध क्या होते हैं, परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध कहलाता है। तीन प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में एक धातु और दूसरी अधातु होती है, यह एक इलेक्ट्रॉन देती है, साझा करती है, लेकिन वापस उसके बदले इलेक्ट्रॉन नहीं लेती है। और सहसंयोजी बंध दोनों, इसमें ये भी इसी का उदाहरण था। अब आते हैं सहसंयोजी बंध में, इसमें क्या होता है कि दोनों अधातुएं होती है और दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते व देते हैं, साझेदारी करते हैं आपस में, इसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। ये भी इसी का उदाहरण है, देख लीजिए आप NH3 हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और नाइट्रोजन भी, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसी के एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं उपसहसंयोजक बंध, इसमें हमने पढ़ा था कि भैया ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन्ग पेयर होगा वो सीधा डोनेट करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन माता थोड़ी नहीं करे, रिद्धि दो इलेक्ट्रॉन दे। तो इसे हमने एरो से डिनोट किया था, जो एरो होती है वो ध्यान रखना। आगे बढ़े, ये भी H2SO4 भी इसी का उदाहरण था। ये देखिए बाकी तो सब जगह अलग अलग बंध बन रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये उपसहसंयोजक बंध बन रहा है, एरो से डिनोट कर रहे हैं। आगे बढ़िए, संयोजन अभिक्रिया है, दो यौगिक मिलकर आपस में बनाते हैं, एक 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 संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, एक यौगिक टूटकर दो वापस यौगिकों में बन रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, एक सक्रिय धातु होती है वो दूसरी सक्रिय धातु या कहे तत्व को विस्थापित करती है, यह सक्रियता का क्रम हमने पढ़ा था। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, सल्फर, ये एयूतम। ऊपर की तीन धातुएं ज्यादा सक्रिय होती है, नीचे की कम होती है, इन्हें पेंटोल केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, याद रखना। सोना कम सक्रिय होने के कारण इसके गहने बनते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो तत्व एक दूसरे को आपस में विस्थापित करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा सेपी अभिक्रिया, यह उष्मा उत्सर्जित करती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये उष्मा को ग्रहण करती है, अवशोषित करती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दोनों ओर चलती है, दो मुंडार बोगी आई जाए, अटी नहीं जाती रहन बटी नहीं आ जा। जल अपघटन, पानी की उपस्थिति में यौगिकों का अपघटन होता है और पानी के सहित मिलके ये नए यौगिक बनाते हैं। पुनर्विन्यास, समावयी, एक ही जैसा है, सूत्र सेम है, एक ही यौगिक बन रहा है लेकिन संरचना में परिवर्तन हो गया, NH4 है, NH2 दो में बंट गया। चलिए आगे, ओले बेगा कड़ाइया आज माता। तो शुरू करें आज का टॉपिक ऑक्सीकरण व अपचयन। तो बढ़िया, आगे की ओर नई स्लाइड लेते हैं, ब्रांडेड न्यू स्लाइड के साथ आज की शुरुआत। तो हेडिंग लगाइए ऑक्सीकरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो थोड़ा अंग्रेज बन जाओ, इंग्लिश में कहीं कह रहा देख लो आज आप। ऑक्सीडेशन, आधा हिंदी आधा छोटा आधा मोटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये क्या होती है देखना, इसमें चार पांच छह जो भी पॉइंट है वो लिखवा रहा हूं, पॉइंट को लिखिए देखिए, उसके बाद में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएंगे, खाली उतावल मत कर जाओ। तो पहला, ऑक्सीजन का जुड़ना, O4 ऑरेंज लिखना, कहीं पहल आ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना लिखते हैं,
टाइम नोट कर लेते हैं, आज पहले ही 6:36 हुआ है, आगे देखेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, ये रहा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना। जुड़ना हमने कौन से पढ़े थे? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फिर कल बार आई आंटी। चलिए आगे, विद्युत धनात्मक तत्वों का हटना, ये भी लिख लिए लीजिए, विद्युत धना धनी सॉरी धनी लिख दो तत्वों का हटना। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, निकलना। अब देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व होंगे वो अलग होंगे, लेकिन किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, लेकिन जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है वो क्या होगा? अपचायक होगा, सॉरी अपचयन कारक होगा, जो अपचयन में सहायक होगा, अपचायक ही होगा, ध्यान रखना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आगे आगे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इधर इतना ही ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन का निकलना कैसे निकलते हैं, थोड़ा खटाव करो, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, ऊपर लेते हैं, लिया, आगे चलिए। चौथा है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, का बढ़ना। ये इतने पॉइंट है, आप ध्यान रखिए, याद रखिए। अब इनको समझते हैं बारी बारी से, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, इसके लिए हमारे पास रिएक्शन है 2Mg+O2, 2Mg+O2, यहां पर लिखिए 2Mg+O2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2MgO, 2MgO। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना पढ़ा, यहां पर देखिए ये मैग्नीशियम अलग है, इसके साथ ऑक्सीजन की हो गई दोस्ती, तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और तो राजी हो यार, अडीक तो ऑक्सीजन गणे का मैं आई को। तो पहली रिएक्शन हो गई, आगे बढ़िए दूसरे पॉइंट की ओर, हाइड्रोजन का हटना। तो इसकी रिएक्शन क्या है वो भी देख लीजिए। अब आप 2H2S+O2, 2H2S+O2 क्या बनेगा? यहां पर देखिए ये सल्फर है, ओ अकेलो पड़ जाए, इन बापड़ा छोड़ जब रही कहीं खरा दुनिया यही जाए। आगे क्या बना? 2H2O, दो पानी के अणु बने हैं, जल के अणु बने हैं, ध्यान रखना यहां पर। लेकिन यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन का और इसकी हो गई नाराजगी, और अडीक तो हाइड्रोजन दब रहा हमारे अंधारत बनी को नहीं राजी है। तो यहां पर भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। वहां पर ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण हुआ था, यहां पर हाइड्रोजन के हटने से, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोजन का हटना, निकलना एक यौगिक में से, ध्यान रखना। आगे बढ़ा, नहीं कहीं करो, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, 2Na 2 सोडियम + Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए भाई साहब, यहां पर लिख लीजिए विद्युत ऋणी, मोटो मोटो गड़गड़ी लिखी थे कौन सा भाई, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना प्लस लिख लो, समझ जाओ। तो यहां पर देखिए
ये Na और Cl अलग अलग थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, दोनों जुड़ गए, एक हो गए। Cl Na के साथ जुड़ रहा है, ये विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणी कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने पढ़ा था कौन सा ग्रुप था, शायद 17वां था, 17वां था, जिसे हेलोजन परिवार कहा था। ये वही है, विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। आगे बढ़ो, हल्लो एक जगह नहीं रुकना। दूसरा है विद्युत धनी तत्व का अलग होना। ओह, अलग होना लिख लो बे, विद्युत धनी तत्व का अलग होना। याद रखना, 2KiH2O2, 2KiPlus H2O2। बोट नहीं ले रहा है आज तो। देखिए 2KI डबल डबल लिखे जा रहे हैं, 2KI प्लस H2O2 मिलके क्या बनाएंगे, विद्युत धनी तत्व को अलग करना है तो क्या होगा, I2 प्लस, ये I2 हुआ अलग। अब देखिए क्या बनेगा, KOH, समीकरण बैलेंस करते हैं, I2 निकल गया, 2K बचे हैं तो लिख दो 2K, अपन पया नहीं लागेला। H2O2, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, 2KOH, समीकरण बैलेंस है, नो टेंशन लो। हो गया, ऑक्सीकरण कहां पे हो रहा है, ये देखिए, ये पोटेशियम का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ने की कर लिखा है शॉर्टकट, आग जाऊं दो, ऑक्सीकरण लिख दो सीधे ही, हल्लो शॉर्ट हर चिट्ठी काम तो नहीं है। तो यहां पर होता है ऑक्सीकरण। आगे बढ़िए, पांचवा क्या था हमारे पास, पांचवा था ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब इलेक्ट्रॉन की कर निकला है, आई गिर माना पानती है। तो देखो आयरन Fe भाई साहब है, ये क्या करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। भैया हल्ला वैसे लोग कहीं करिया करे, दान दिया करे, दानी आदमी है। तो तीन इलेक्ट्रॉन त्यागे, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागे तो क्या हुआ, प्लस 3, Fe प्लस 3। यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो ऑक्सीकरण हुआ। आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ये लास्ट टॉपिक है, वहां पर पढ़ते हैं, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, बीच काम नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं अपचयन की ओर। तो देखिए अपचयन, अंग्रेजी अगर है रिडक्शन, शब्द अपन भड़कता क्यों ढूंढा, आप कम थोड़ी अंग्रेज हो। तो रिडक्शन क्या होती है, सेम के सेम पॉइंट है, उधर से उठा के इधर रख दो, कॉपी करनी मना अलावे नहीं है। तो बढ़िया, यहां से लेते हैं अलग थोड़ा सा। देखो वहां पर था ऑक्सीजन का जुड़ना, अटे बिछड़ी, ऑक्सीजन का हटना, हटना। अब देखिए भाई साहब दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन। भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, हो हाँ, हाइड्रोजन का जुड़ना, वहां पर बिछड़ रहे थे, यहां पर जुड़ रहे हैं। देखो साहब आप अपने घड़ी बाता है, समझ जाओ ओट आयो एन होशियार की गर्म लाग इन ठोकी टिक खुद आएगा महीने। तीसरा, विद्युत ऋणी तत्व का हटना, वहां पर जुड़ रहा था, तत्व का हटना,
हटना, विद्युत ध्वनि तत्व का जुड़ना, विद्युत ध्वनि तत्व का जुड़ना, एकदम उल्टा चल रहे हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। अब वो ऑक्सीकरण है जी, बहुत अटे ही नहीं बड़ा, बस वो लास्ट में बड़ा ला, याद रहा एकदम बढ़िया, शानदार तरीकों बड़े आगे। अब देखिए ऑक्सीजन का विच्छेदन कैसे होगा यहाँ पे, कैसी है तेरा मेरा विच्छेदन, अभी देखते हैं। CuO+H2, क्या हुआ? अब आप लोग कॉपर रहे गो एकलो, एंड ए कर लिया आपस में गठबंधन H2O, तो जल बन गया। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा देख लो, गड़गड़ी हड्डिंगा मारो नहीं लेके जाए। CuO, ऑक्सीजन हटा, जुड़ियो नहीं है, ध्यान राखो। तो क्या हुआ? अपचयन, रिडक्शन, सही है क्या? आगे बढ़ो। दूसरा था हमारे पास हाइड्रोजन का जुड़ना, Cl2+H2S। सही है रे। अब देखो 2HCl+2H सेट होगा, लार बच्चे सल्फर भाप देख लो, ओ आई वो हम सल्फर पहला लिखो पच्चे लिखो, समझदार हो जो। यहां पर देखना क्या हुआ, क्लोरीन, के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, पहले हाइड्रोजन नहीं था, इनका मिलन अभी अभी हुआ है, ताजा ताजा। तो यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन कहलाएगा। आते हैं तीसरे नंबर पर, टाइम सूटो सूट वे है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, विद्युत ऋणी तत्व का अलग होना, Tu-FeCl3+H2। अब देखिए 2FeCl2+2FeCl2 और HCl, HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन एक एक दो है, एक मिनट, 2FeCl3+H2, 2FeCl2, 2HCl बनेगा यहाँ पर। HCl, एक मिनट वापस लिखते हैं, 2FeCl3+H2, 2FeCl2, यहाँ पर चार हो गए, छह हो गए। ठीक है, देखिए भाई साहब यहाँ पर हो रहा है कंफ्यूजन, क्लोरीन छह है, आगे दो लागोड़ा है, दो तिया छह हो गए क्लोरीन, तो दो क्लोरीन यहाँ पर काम ले लिए और चार यहाँ पर ले लिए, लफड़ा खत्म। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर काम में ले लिए, समीकरण संतुलित है, नो टेंशन रहना, खाली टेंशन नहीं। यहाँ पर था विद्युत ऋणी तत्व का हटना यानी कि अलग होना, और देखो भाई FeCl3 का FeCl2 हो गया, हैंग रहा हैंग नहीं गया भाई, अजय वो टनियो नहीं, ने तो एक रो बुलायो दोन बुलाया ठीक रे, ने तो हम जन हैंग जरा गया भाई साहब, एक गियो है पर गियो अटेंडेंस लागी, यानी कि क्लोरीन बिछड़ गया, एक क्लोरीन बिछड़ा है, भले ही एक बिछड़ा है लेकिन बिछड़ गया। क्लोरीन का हटना क्या है, अपचयन। आगे स्लाइड निकालते हैं, नहीं, और देखिए देखते हैं आगे, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, SnCl2, SnCl2। आगे देखिए 2HgCl2+2HgCl3,
Cl2 इज इक्वल टू देखना Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब देखिए यहां पर क्या रामायण हुई, आप देखना जो मरकरी है Hg है वो क्या है, विद्युत धनी तत्व है भैया, विद्युत धनी तत्व है। तो यहां पर देखिएगा जो Sn है वो तो हो रहा है अलग इस क्लोरीन पर, Cl2 और Cl4 भी अलग अलग है, ध्यान रखना ये दो और दो चार होते हैं यहां पर, ये Cl4 है ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग घर में रहे भाई साहब, मेरा योड़ा है बड़ा नहीं है। तो इस Cl2 के साथ में यहां पर देखिएगा इस Cl2 के साथ में मरकरी जुड़ती है, क्या जुड़ती है, Hg जुड़ता है। तो विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, आगे बढ़ा आगे बढ़ो आगे आते हैं अगली रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन थी इलेक्ट्रॉनों का वहां पर तो था त्यागना, यहां पर क्या है अट इलेक्ट्रॉन जुड़ेला, याद रख लो। तो इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना क्लोरीन लेवा समूह पहला Cl-, यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जुड़ना यानी एड होना, क्या होगा अपचयन रिडक्शन। अब यहां पर ऑक्सीडेशन अंक घटेंगे कि कर घटी कई हुई थोड़े नेटा हो रखो, रेडॉक्स अभिक्रिया तीसरी पर आते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए रेडॉक्स भाई साहब आएगा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा देखिएगा आप, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में होगी। देखो की कर हुआ क्या हाथ हुई सा की कर हुई, हाँ देखो ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, एग्जाम्पल हमने रिएक्शन लिखने नहीं पूछेला, रिएक्शन लिखने दस बार में पूछे थे, रिएक्शन ने आइडेंटिफाई करनी पूछेला। तो देखो आगे बढ़ा, वैसे रिएक्शन ना नहीं रटने याद दोरी कड़ी रहा, रेडॉक्स अभिक्रिया चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, सुटो सूट ZnO प्लस कार्बन, यहां पर क्या होगा जिंक बापड़ो एकलो रह जाए एंड कार्बन ऑक्सीजन कर ले गठबंधन। अब देखो बी एक्सप्लेन, यहां पर ZN से ऑक्सीजन का हुआ बिछड़न, कैसा है ये बिछड़न, बिछड़न सॉरी ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। पेन अपन घनी तरह रहा जचे जीता यूज लो को ना नहीं दे नहीं लल्ला, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक तरफ हो रहा है मिलन एक तरफ बिछड़न ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना यहां पर क्या होगा ऑक्सीकरण, हमने ऊपर यही पढ़ा था कि भाई कोई एडी रिएक्शन टाल लाओ जिकार में अपचयन उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन दोनों हो। अब एक बात बड़ी याद रख लीजो अटाएगा तो कदी से कंफ्यूजन करिया करे, आ रही अपना स्लाइड ईद गई रही है आई सुटो सूट, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, पर बोल जाता हूं मैं इन बात गए वीडियो पूरा देख लो, उपचयन भी कहा जाता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है भैया इस रिएक्शन में है उपचयन अपचयन ऑक्सीकरण है, पेपर गलत बनाए दी बोनस मिले मिल जाला बोनस घरे बैठे रहते वाला। तो आगे बढ़िए अपचयन को भी एक नाम बड़ा ही नहीं है मालिक तेरे नाम हजार दो हजार नहीं है, इसको अवकरण भी कहा जाता है,
अवतरण। आगे बढ़िए, अपने गंतव्य तक वापस आइए। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों हो रहा है, यहां पर ध्यान रखना ये ओरियो अपचयन ओरियो उपचयन दोनों हुए, इनका ही क्या हुआ रेडॉक्स, रेडॉक्स अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इसे कहा गया रेडॉक्स। एक एग्जांपल हो गया, एक बढ़ ले लो पया नहीं लागे, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। देखो कई रामायण है, पूरी पूरी एक्सप्लेन करा, पेन लेवा ओ आड़ो, कॉपर ऑक्साइड से Cu ऑक्सीजन का हुआ विच्छेदन हटना, ऐसा क्या गुना किया जो लुट गए, गानो याद आयो सलमान खान ने ऐसे राय, H2 के साथ ऑक्सीजन का मिलन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हुआ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण गड़गड़ी नाम तो नहीं लिखना चाहिए पर लिख ला समझ में हो रहा है, अपचयन और दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाएंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। थोड़ा पानी पीला, हाँ वो हलो नहीं पियो थोड़ी पियो। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, कुछ दो शब्द हैं हल्के से देखिए, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। ऑक्सीकारक कभी से पूछ ले और अपचायक जो अपचयन करते हैं, जो ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ये ध्यान रखना याद रखना। डेफिनेशन, वे पदार्थ जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते हैं या ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, और वे सब, मैं जी का चार पॉइंट पढ़िया क्या, मैं सब लिख लीजिए उठा, जो भी पदार्थ वैसी वैसे पॉइंट करवाते हैं, वैसी वैसी रिएक्शंस करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं ऑक्सीकारक। दो तीन एग्जांपल देख लो, हल्ला नहीं देखो तो, दो तीन एग्जांपल किया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन SO4-2 ये है ऑक्सीकरण। अब देखिए अपचायक, वे पदार्थ जो अपचयन क्रिया करवाते हैं, क्रिया में सहायक हो या करवाते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है देखो तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सीधी बात है जिको भाई जिकी क्रिया करावे वो कारक कहलावे, ऑक्सीकरण करावे जिको ऑक्सीकारक कहलावे, अपचयन करावे वो अपचायक करवा कहलावे, हुई गो। वे जिकी रिएक्शन में पड़ी बेथान ध्यान ही जाए तो यार देख लो, ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन SO4-2 ये ऑक्सीकारक है, और एनिस्ला है एने सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और वे लिथियम, लिथियम पहला जो ग्रुप था पहला कौन सा था जिसमें क्या थे पोटेशियम सोडियम और ये थे वो ही, इसकी हेलिना की रबड़ी सस्ती याद आ गया, इन बात के याद आ गया हेलिना की रबड़ी सस्ती, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सस्ती सी एस, ये और भी बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भाई साहब ऑक्सीकरण संख्या पर, जिसका सदियों से इंतजार था वो पल आ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या
पहला आवते ही हटके आपा बटी था, याद रख जो बे सब पॉइंट क्लियर करना है। तो देखो आधो घंटो तो उनाड़ो है तो देख लो मैं हटाई का दिन कराई दा। ऑक्सीकरण संख्या अट हेडिंग लगाए दो, हेडिंग लाल पेन में लगाए दा ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो ये सोडियम है, एक बार होनो खाली पछ समझ जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ये ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, एनए प्लस की क्या होगी प्लस एक, एनएसीएल की क्या होगी जीरो, क्लोरीन की जीरो, क्लोरीन माइनस की माइनस एक। यह स्वतंत्र प्रभार है भैया, अभी तक तो क्लोरीन और सोडियम स्वतंत्र प्रभार में है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आगे आप सुनते जाइए आपको सारे समझ में आ जाएंगे। SO4 माइनस टू की माइनस टू होगी, आयन का रोल है यहां पर, लेकिन फिर भी देखिए अगर ये जो हमने तत्व बताए हैं ये अगर यौगिक में हो तो क्या होगा भैया, अगर ये क्या हो यौगिक में हो तो क्या होगा, यौगिक में, यौगिक में तो ध्यान रख जो कुछ सेलेक्टेड तत्व हैं उनके हम याद करते हैं, बाकी उन तत्वों की सहायता से बाकी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगी सुविधा युक्त आसानी से। तो देखिए कैसे, सबसे पहले लेते हैं पहला वर्ग, वर्ग संख्या एक, हेलिना की रबड़ी सस्ती हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन लिथियम हेलिना सोडियम हेलिना की के रबड़ी सस्ती, हल्ली मत कर जो शुगर बीपी उजाला। तो यहां पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस एक, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक। आगे बढ़ो, एक ग्रुप और हो आपका ना, दूसरा वर्ग बाप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या राजी। देखो नाला एक जने रोए सबको कोई जन राजी धोए और बिराज दे स्कूटर, यहां पर क्या होगी प्लस टू। आगे बढ़िए, आगे का सफर किस ओर ले जाता है देखते हैं। आगे है भाई साहब हमारे पास ऑप्शन सीधा 16 वर्ग में टपको, 16 वर्ग में एक ऑक्सीजन काम का है, बाकी सब छोड़ो आप। ऑक्सीजन की कितनी होगी माइनस के दो, ऑक्सीजन की कितनी होगी माइनस टू, याद रखना। आगे बढ़िए, अब कौन सा वर्ग लेते हैं, हेलोजन परिवार 17वां वर्ग, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर कल बार आई आंटी, याद कर लो खूब पवला। तो यहां पर देखिए इसकी कितनी होगी माइनस एक। ये कुछ तत्व है अगर ये यौगिक में रहते हैं स्वतंत्र प्रभार नहीं, हाइड्रोजन री जीरो वेला सोडियम री जीरो वेला, और देखिए आप देख लो आ सोडियम जीरो है बट एक क्या यूं मत कहे जो मार साहब यूं कहे रू गई आप, तो यौगिक में होंगे तब होगा कैसे, आइए देखते हैं आगे की ओर। H2SO4 पहला एग्जांपल, H2SO4 H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है तो बार देखो आटो इच काटा, हम जानते हैं 2 9 आप जानो, आया समीकरण आएगा हमें
गणित आ गई है, बहुत हल्की गणित है, अल्लाह डर जाओ मत। हम जानते हैं भाई साहब हाइड्रोजन की एक होती है प्लस, हाइड्रोजन की कितनी होती है प्लस एक, ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस दो, और सल्फर की फाइंड आउट याद करना है। अब देख लो समीकरण, बा सूटो सूट करा, हाँ हो रहा है, डर जो मती कड़ो पेन ले लो, आपकी ले लो भाई, अलग है। एच की एक है, यहाँ पर दो है, दो हाइड्रोजन है, तो एक इंटू दो प्लस सल्फर को हमने याद करना है, तो इसे एक्स मानते हैं, प्लस ऑक्सीजन की माइनस दो, हमने वहां पीछे पढ़ी थी ध्यान रखना, यहाँ पर लिखी हुई है माइनस दो इंटू चार। सोल्व करिए, पहला समीकरण है आराम से देखिए, दो प्लस एक्स प्लस माइनस के 8। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखिएगा एक बार पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं, शॉर्ट में नहीं चलेंगे। माइनस के 8 प्लस 2 और माइनस के 8 इजिकल टू होगा 0, यहां पर ध्यान रखना। कैसे? H2SO4, यहां पर ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर H2SO4 माइनस 2 3 होते तो यहां पर लिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, इसका मतलब बराबर 0 है, ध्यान रखना। H2SO4 की कितनी होगी 0, ये रहा H2SO4 की 0 होगी। लिया समीकरण, अब देखिए यहां पर कितने बचे, x माइनस 6 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 6, अटीनू बटीन ये आवता बटीन जाओ तो कही हो दर चेंज होगा, ध्यान रखना प्लस रहा 6 आएगा। तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या होगी प्लस 6, याद रखना। आई जी ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक बड़े जने के वहां ऑक्सीकरण और घटे जिनके वहां ऑक्सीजन, किकर लिस्ट में बताऊं रिएक्शन में। आगे बढ़ो नई स्लाइड की ओर, दूसरा एग्जांपल K2Cr2O7, K2Cr2O7 में सवाल देखा कि नहीं, याद करनी है K2Cr2 में, याद करनी है सीआर की याद करो। अब बार देखो अपन ध्यान कही गई है पोटेशियम री, आप देख लीजिए एलिना की रबड़ी सस्ती, पोटेशियम इजिकल टू प्लस 1, ऑक्सीजन री माइनस 2, एंड इन्हीं सीआर री बार काट ले की मोटी बात है। तो देखिए सीधा, अब देखो समीकरण गड़गड़ी का सॉल्व कराऊं क्या कराऊं, एक एक और करूं लस्ट, 1 × 2 प्लस Cr2 की 2x ले लें, 2 है ध्यान रख जो इन बात है, 2x लिया प्लस माइनस 2 × 7 ध्यान रख जो सीधा आ गया, 2 प्लस 2x 8 प्लस माइनस माइनस 7 × 2 = 14, माइनस का 14 आएगा, 2 बटिन गया 12, 2x माइनस 12 इजिकल टू 0, 0 है गड़गड़ी भूल जावा, x इजिकल टू 12 बटिन आओ तो प्लस रहा और 2 नीचे प्लस 6, 26 आया, ये मत सोच लीजिए 26 और 26 ऑक्सीकरण संख्या 6 ही जाए, गड़बड़ हो जाए ना। अब बार देखो अलग भी आए प्लस 6 हूं आगे चल, KMnO4 में Mn की, KMnO4 में Mn की, तो देखिए Mn की कैसे ज्ञात करते हैं, Mn की पोटेशियम की हम गड़गड़ी नहीं लेकर, अब बस सूटो सूट गाड़ी घास लो फूक पावला, पोटेशियम की एक थी प्लस MnX प्लस ऑक्सीजन की 4 याद रखना माइनस 8, यहां पर सीधा लिखो 4 × 2 = 8, माइनस के 8 इजिकल टू 0, एक गियो माइनस है 7, एक्स माइनस 7 इजिकल टू 0, एक्स बराबर के प्लस के 7, देख लो 6 × 7 में आएगा, मतलब 6 × 9 है 7 आ गई एमएन की। आगे बढ़िए अगला एग्जांपल, CH4 में कार्बन की कितनी होगी, आ देखो बा टूटो सूट गाड़ी भाई, हाइड्रोजन की कितनी होती है, इसको x मान लिया, इसकी प्लस 1 यानी कि 1 × 4 = 0,
एक्स इज इक्वल टू माइनस चार कार्बन डी माइनस चार दिया करे ऑक्सीकरण संख्या कि मैं कार्बन डी नहीं वे सी एच फोर में कार्बन की सीधा कार्बन की नहीं लेंगे सी एच फोर में कार्बन की माइनस चार होती है याद रखना। आगे वाला एग्जाम्पल है ए यू सी एल थ्री में क्लोरीन डी कितनी वे अपन ध्यान है पेन ओ ले ला। अब देखो ज्ञात की करनी है एयू री करनी है ध्यान डाल दो तो क्लोरीन की होती है एक एक्स माइनस तीन इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू प्लस तीन तो एयू की कितनी हो गई प्लस थ्री ध्यान डाल दो प्लस थ्री एयू की एयू सोना नहीं क्या शायद शायद नहीं हाँ कल बताए एजी चांदी थी। आगे बढ़िए Fe2SO4 का 3 है ध्यान रखना। अब देखो भाई साहब एक बट लिखनी भूल गया SO4 को माइनस टू लिखते हैं आपने देखा होगा SO4 को माइनस टू लिखते हैं यानी कि SO4 की कितनी होती है माइनस टू होती है तो देखिए यहां पर इन्हें 2x ले ला प्लस माइनस दो और तीन गुणा होंगे कितने होंगे 6 SO4 की माइनस टू ली थी याद रखना कंफ्यूज मत होना तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो एक्स बराबर 6 बटा 6 टी ना होती प्लस रहा 2 इज इक्वल टू 3 Fe की कितनी होती है प्लस 3 होती है ध्यान रखना Fe की कितनी होती है प्लस 3। एग्जाम्पल खत्म एक और नयो पैटर्न है देख लो अट लिखो थे HCl2H2Cl2H2F2 और Cl2H2I2 इनमें क्या होगा अगर I2 में I की पूछे Cl2 में Cl की पूछे H2 में H की पूछे F2 में F की पूछे तो ध्यान रखना उत्तर आएगा मुर्गी का अंडा। उत्तर क्या आएगा आंसर क्या आएगा मुर्गी का अंडा 0 0 0 और ओ नहीं है ध्यान डाल दो जीरो है जीरो नील बट्टा सन्नाटा क्यों आएगा क्योंकि देख लो भाई एक जड़ा तत्व है अब बटी पड़िया एनरी जीरो या कर। अब देखिए वापस एक बार हल्के से टाइम की तो हुई 30 मिनट कोई बात नहीं देख लीजिए फटाफट सीधा वहां आ रही अपनी पहली स्लाइड यहां पर आइए पहली स्लाइड कहां पर गई ये रहा देखिए MgO2 में अब Mg की क्या है जीरो भैया Mg मात अगर की हो तो प्लस वगैरह तो आप मानता कही कि मानता पर Mg री कितनी अटे जीरो है इर ऊपर की है कोनी अटे देखो हम पाचा आया जना ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस दो तो देखिए x माइनस दो इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू प्लस दो Mg की प्लस टू हो गई यहां पर ध्यान रखना x क्या है Mg मैग्नीशियम की प्लस टू हो गई ऑक्सीकरण अंकों का बढ़ना हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण अंकों का बढ़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है यहां पर ऑक्सीजन की बड़ी है प्लस टू हो गई। आगे देख लो दो तीन एग्जाम्पल छूटो छूट देख लो एच टू एस में देखिए यहां पर H का हटना H हटेगा H की क्या थी प्लस एक थी यहां पर देखिए सल्फर की हम अब यहां पर था सल्फर की निकालनी है तो दो और एक की चार दो इंटू दो चार और प्लस का X इज इक्वल टू जीरो X इज इक्वल टू माइनस चार यहां पर कितनी है माइनस चार भाई साहब बड़ा घाटा में अबार फायदो पहुंचावा ये देखो यहां पर ये H का हटना हाँ सही है यहां पर देखिए अब जीरो हो गई यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है ये मत कहे जो जीरो होगी जीरो गई है माइनस जीरो से छोटा होता है पता है माइनस चार से जीरो पर आ गया यानी कि गाड़ी लेवल में दही है
आगे नहीं बढ़ी थी, लेवल माते थी सुधार हो। ऑक्सीकरण आगे बढ़िए, 2Na और Cl2 Na सीढ़ी मंडाई वाले बैठा है, बट आओ थी बढ़ेला किकर बढ़ेला एक्स प्लस एक्स माइनस एक क्लोरीन की माइनस में होती है, हड़गड़ी मिटा हो तो 2NaCl है यहाँ पर, ध्यान रखना Na की क्या होगी, ध्यान रखना यहाँ पर Na जीरो है, यहाँ पर Cl की माइनस एक होती है, हमने पढ़ा था। तो देखिए 2x प्लस माइनस के 2 इजिकल टू 0, इधर देखिए वापस x इजिकल टू 1 आएगा, 2 का भाग चला जाएगा, समीकरण गणित है क्या, गणित है क्या, यहाँ पर क्या आ गया प्लस 1, यानी कि 0 गाड़ी 1 माँ दही है, थोड़ो थोड़ा मिलियो, फिर मतलब ऑक्सीकरण सीधा आइए अपचयन पर। CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर की निकाली है यहां पर ऑक्सीजन की माइनस 2 हमने पढ़ा था, x माइनस 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू प्लस 2, अटे प्लस 2 है कॉपर भाई साहब, कही है प्लस 2 है, पर देखो अट आयान कही हो घाटा लागो नंदा में घाटा लागता रहे। Cu0 प्लस 2 से 0 की ओर भाई साहब घाटा में चाल रहा, इसका मतलब अपचयन। आगे बढ़िए Cl2H2S देखा Cl3 0, अट देखो मैं H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 प्लस X इजिकल टू 0, X इजिकल टू माइनस 2, भाई साहब गाड़ी बड़ी दाम माइनस 2 आएगा 0, ये मतलब अपचयन। अब देखो घना का ही देखा हल्लो नहीं देखो, लास्ट एग्जांपल है, बाकी घर पे प्रैक्टिस करना, वैसे बारी घरे जो कि आठ हो। ZnO ऑक्सीजन संख्या घटी है, देखिए यहां पर Zn की कितनी थी x माइनस 2 इजिकल टू 0, इधर आए x प्लस 2, यहां पर Zn की प्लस 2 है भाई साहब ध्यान रखना, लेकिन यहां पर 0, दंदो घाटा में चल रहा है, ये मतलब अपचयन। यहां पर देखना अपचयन, पेन का कलर लेते हैं दूसरा, समझ में आएगा क्यों ले हमारे सब ले लिया वो लेना। यहां पर देखिए कार्बन भाई साहब की, कार्बन 0 मात बैठा है चिड़ी मंडे वेड़ो अट आवते डोड़ होशियार हुई को, देखो ऑक्सीजन x माइनस 2 इजिकल टू 0, बटिन जावते प्लस रहा 2, वो एक समीकरण वो सोल्व करना हम जी जो, बट धीरे धीरे दो तीन बार हापी पाचा समीकरण याद आ जाए, दसवीं पढ़िया जी का हर एक समीकरण, ये तो डिटेल में नहीं बताई जाए। प्लस 2 आ गया यहाँ पर, तो ध्यान रखना हो गया ऑक्सीकरण, धंधो फायदा में आएगा, सब्र रखो कभी धंधो घाटा में कभी फायदा में, ऑक्सीकरण हो गया। ये था हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन, तो भाई साहब आज की लीला होती है यहीं पर समाप्त। आज हमने ऑक्सीकरण पढ़ा, अपचयन पढ़ा, ऑक्सीकारक अपचायक और रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अंग कैसे निकालते हैं टॉपिक होता है पूरा, खल्लास यहीं पर। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।